हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और पार्टी डिश शेयर करने जा रही हूँ। हम बनाएंगे पालक और कॉर्न की सब्जी। तो आजकल शादियों में और पार्टीज में बहुत पसंद की जा रही है ये सब्जी। तो पालक की स्मूथ ग्रेवी में कॉर्न्स होते हैं, आइए बना लेते हैं पालक कॉर्न करी। ये देख लेते हैं पालक और कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम पालक, यानी कि 500 ग्राम पालक है। और मैंने इसको क्लीन कर लिया है और मैंने इसकी डंडियां तोड़ दी हैं। देखिए इस तरह से बस पत्ते पत्ते लिए हैं मैंने, और जो लंबी डंडियां होती हैं वो निकाल दी है इसकी। और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है कई बार। तो 500 ग्राम पालक के साथ हमने लिया है एक कप कॉर्न्स है, स्वीट कॉर्न। तो हम देख लेते हैं सब्जी के लिए हमें क्या मसाले चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता है बेलीफ, और 1 है साबुत लाल मिर्च। और हमने लिए हैं टमाटर, 3 से 4 रेड टोमेटोज ले लेंगे हम, 2 लेंगे हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज ले लेंगे, और कुछ टुकड़े हैं अदरक के। और यहाँ पर हमने लिए हैं 12 से 15 काजू कैशू नट्स हैं, इन्हें हम साथ ही पीस लेंगे सब चीजों को। और हम लेंगे फ्रेश क्रीम, तो हम ये डालेंगे 2 टेबल स्पून। और फ्रेश क्रीम नहीं आपके पास तो आप मलाई ले सकते हैं, अपने घर की मलाई ले लीजिए 2 टेबल स्पून। और मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर, ये मैं लूंगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कसूरी मेथी हम लेंगे 1 टीस्पून। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटे से पैन में पानी बॉइल किया है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ अपने कॉर्न। ये हम हल्का सा बॉइल कर लेंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमारे कॉर्न्स। और इस वाले पैन में ऐड कर देती हूँ पालक। पानी हमारा गर्म है और इसको हमें बस कुछ देर के लिए बॉईल करना है, बस एक दो मिनट के लिए। तो मैं सारा पालक इसमें ऐड कर देती हूँ अपना। तो इस तरह से हम अपना सारा पालक ऐड कर देंगे पानी में, और इसे हम बस 1 या 2 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे। और इसके बाद हम इसे निकाल के और ठंडे पानी में डाल देंगे पालक को, ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो बना रहे। बस 1-2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे इसे। और कॉर्न्स हमारे बॉईल हो रहे हैं तो इसे हम कम से कम 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे, ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं हमारे कॉर्न्स। जब तक हमारा पालक बॉईल हो रहा है, हमारे कॉर्न्स बॉईल हो रहे हैं, हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, और अपने अदरक ऐड कर देंगे, और उसी में ऐड कर देंगे हम अपने 12 से 15 काजू, और इन सबको मिक्सअप पीस लेंगे। तो काजू टमाटर के साथ बहुत इजीली पीस जाते हैं, तो इसके साथ ही हम इन चारों चीजों को एक साथ पीस के इनका एक पेस्ट बना लेते हैं। जब तक हमारा पालक बॉईल हो रहा है और हमारे कॉर्न्स बॉईल हो रहे हैं, हमने लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने टमाटर, रफली चॉप कर देते हैं ऐसे ही इनको, और इसमें ऐड कर देंगे अपनी अदरक को भी, 2-3 टुकड़े अदरक के हैं हमारे, 2 हमारी हरी मिर्च थी ये भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसी में हम ऐड कर देते हैं अपने काजू भी। तो काजू इनके साथ ही बहुत इजीली पीस जाते हैं टमाटर के साथ ही। अगर अलग से पीसे हम तो पीसने में दिक्कत होती है, हमें प्रॉब्लम होती है पीसने में, तो हम इसको टमाटर के साथ ही पीस लेंगे। इन सबको हम पीस लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेंगे हम। तुम्हारे पालक को बॉईल होते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं, इसे हमें कवर नहीं करना है ताकि इसका कलर खराब ना हो। बस मैं गैस ऑफ कर देती हूँ इसके नीचे, इसको और बॉईल नहीं करेंगे, बस इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे इसको हम। और यहाँ पर हमारे कॉर्न्स जो है ये भी आप देख सकते हैं थोड़े से फूल गए हैं, ये भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसके नीचे भी गैस ऑफ कर देती हूँ। तो हम अपने पालक को ठंडे पानी की बोल में डाल देते हैं, हमने इस बोल में ठंडा पानी लिया हुआ है। हम अपने पालक को निकालेंगे सीधा पानी में से और इस पानी में ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने से जो कलर है इसका वो ग्रीन ही रहेगा बिल्कुल, और ठंडा भी हो जाएगा जल्दी। और फिर इसे हम पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मैं सारा पालक इसमें ऐड कर देती हूँ ठंडे पानी में। तो अब हम पालक को निकालेंगे ठंडे पानी में से इस तरह से, और इसको डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। बस इस तरह से हम अपने पालक को पानी में से निकाल लेंगे और इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको पीस लेंगे, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। जी हमने अपने पालक को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ग्रीन कलर आया है इसका, बिल्कुल ग्रीन है। और अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पर आप बटर ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून बटर या 2 टेबलस्पून घी ले लीजिए। इसे मेल्ट कर लेंगे हम पहले,
मेल्ट हो गया है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता है और 1 साबुत लाल मिर्च है, ऐड कर देते हैं इसमें और इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। जीरा फ्राई हो गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे अपना टमाटर और काजू का पेस्ट, जिसमें हमारी 2 हरी मिर्च और अदरक भी है। और इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा टमाटर और काजू का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें अब ऐड कर देते हैं हम कुछ मसाले। हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक, हल्दी और लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और फ्राई करते हैं जब तक इसे घी अलग ना हो जाए और मसाले भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। लीजिए, हमारा टमाटर और काजू का जो पेस्ट था फ्राई हो गया अच्छी तरह से और इससे घी अलग होने लगा है। तो इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे हम अपने कॉर्न्स, जो हमने बॉईल किए थे कॉर्न्स अपने। और कॉर्न्स भी मैंने बस 5 मिनट के लिए बॉईल किए थे। इन्हें मिक्स कर लेंगे हम और भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो हमारे कॉर्न्स मिक्स हो गए अच्छी तरह से मसाले के साथ, हमने इन्हें भून लिया है 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपनी पालक की प्यूरी, जो हमने पालक पीस के रखा था, ये ऐड कर देंगे इसमें। तो हमने इसमें अपना पालक का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। अभी मुझे काफी थिक लग रहा है तो इसको पतला करने के लिए मैं यूज करूंगी वही पालक का पानी जिसमें हमने इसको बॉईल किया था। पहले मिक्स कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है ग्रीन इसमें, क्योंकि हमने अपने पालक को बस 2 मिनट के लिए बॉईल किया था, फिर हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया था। और जब बॉईल करेंगे पालक को तो बिल्कुल कवर नहीं करना है उस समय आपको। अब इसमें हम ऐड करते हैं अपना पालक का पानी जो रखा था हमारे पास, जो हमने बॉईल किया था पालक, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारे पालक में अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है, इसमें ऐड कर देते हैं अब क्रीम। मैं इसमें कम से कम 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दूंगी। बहुत ही रिच और बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है ये। इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम गरम मसाला। तो हम इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया हमने। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मैं इसको इस तरह से हाथ में क्रश करके ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर देंगे इसको भी। तो हमने इसमें गरम मसाला मिक्स कर दिया, हमने इसमें कसूरी मेथी मिक्स कर दी है और हमने इसमें क्रीम भी मिक्स कर दी है। और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया लग रही है ग्रेवी, देखिए। तो लीजिए, हमारी सब्जी रेडी हो गई है, बिल्कुल जैसे कि हलवाइयों की होती है, जैसे कि पार्टीज में हम खाते हैं पालक कॉर्न की सब्जी। बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है इसकी, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर्स के साथ सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो आइए सर्व कर लेते हैं इसे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी पालक और कॉर्न की सब्जी। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं हम क्रीम के साथ। कुछ कॉर्न के दाने हैं मेरे पास, भी डाल देती हूँ ऊपर से। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी पालक और कॉर्न की सब्जी, जो कि टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर जरूर ट्राई करेंगे। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेहतमंद रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।